डायरेक्टर हंसल मेहता ने साल 2000 में मूवी दिल पे मतले यार से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज बाजपेयी, तब्बू, सौरभ शुक्ला और आदित्य श्रीवास्तव शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 97,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,48,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2002 में इनकी अगली मूवी आई छल। इस मूवी के लीड कास्ट में के मैनन, जयासील, नावेद असलम, श्री वल्लभ व्यास और संजय मिश्रा शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2002 में ही इनकी अगली मूवी आई ये क्या हो रहा है। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर अली मलिक, पायल रोहतांगी, प्रशांत चियानानी और वैभव झलानी शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,91,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,74,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2005 में इनकी अगली मूवी आई अनजान। इस मूवी के लीड कास्ट में महक चहल, विपुल गुप्ता और आमिर अली मलिक शामिल थे। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2007 में आई मूवी 10 कहानियां। ये मूवी मल्टी डायरेक्टर्स द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी थी। इस मूवी के एक सेगमेंट हाई ऑन द हाईवे को हंसल मेहता द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह और मनोज बाजपेयी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 21 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 7,78,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 13,07,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2008 में इनकी अगली मूवी आई वुडस्टॉक विला। इस मूवी के लीड कास्ट में गुलशन ग्रोवर, अरबाज खान, सिकंदर खेर, सचिन खेडकर, नेहा ओबेराय और अनुपमा वर्मा शामिल थे। ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 6,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,25,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,12,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2012 में इनकी अगली मूवी आई शाहिद। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार राव, के मैनन, प्रबलीन संधु और मोहम्मद जिशान अयूब शामिल थे। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 6,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,99,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,92,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2014 में इनकी अगली मूवी आई सिटी लाइट्स। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार राव और पत्रा लेखा पाल शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 8,51,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9,99,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2015 में इनकी अगली मूवी आई अलीगढ़। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, आशीष विद्यार्थी, ईशा चोपड़ा और बालाजी गौरी शामिल थे। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 11 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,74,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2017 में इनकी अगली मूवी आई सिमरन। इस मूवी के लीड कास्ट में कंगना रनौत, किशोरी शाहणे, सोहम शाह,
और जैसन लाउडर शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 28 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 14 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 26 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2017 में ही इनकी अगली मूवी आई ओमेर्टा। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार राव, राजेश तेलंग, सतवंत कौर और सुशील दहिया शामिल थे। ये एक एक्शन बायोग्राफिकल क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 12 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 26 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ 49 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2019 में आई मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस मूवी के डायरेक्टर थे विजय रत्नाकर गुटे और हंसल मेहता इस मूवी के क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे। इस मूवी के लीड कास्ट में अनुपम खेर, अक्षय खन्ना, अनिल रस्तोगी, सुजैन बर्नर्ड, अर्जुन माथुर और अहाना कुमरा शामिल थे। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 21 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 23 करोड़ 24 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 31 करोड़ 57 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2020 में आई मूवी छलांग। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार राव, नुसरत भरूचा, मोहम्मद जीशान अयूब और सौरभ शुक्ला शामिल थे। ये एक कॉमेडी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी। ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी। साल 2022 में आई मूवी फराज। इस मूवी के लीड कास्ट में जूही बब्बर, आमिर अली मलिक, आशीष भट्ट और जतिन सरीन शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 19 करोड़ 16 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 19 करोड़ 93 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2023 में आई मूवी द बंकिम मर्डर्स। इस मूवी के लीड कास्ट में करीना कपूर, प्रबलिन संधु, ली निकोलस हैरिस और क्रिस विल्सन शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको हंसल मेहता की एज ए डायरेक्टर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। हंसल मेहता की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।